सो इफ यू न्यू टू माय चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली गाइस. सो एज यू नो कि मैं इंडिया में हूँ एंड इंगेजमेंट के लिए मैं आई थी. सो अब इंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है. आज एक्चुअली मैं बिहार जा रही हूँ सो दैट यू नो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ दिन रुकूँ एंड वहाँ पे भी स्टे करूँ बिकॉज देन मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगी. नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली वेडिंग होगा तो आई थिंक मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा. एंड वन मोर रीज़न एक्चुअली बिहार में हमें कोई पूजा भी करवानी है मेरी और नीलेश के साथ में. तो वहाँ से हम लोग एक और न्यू लोकेशन पे जाएंगे एंड आई वुड लव टू ब्लॉग दैट एज वेल एंड आई विल शो यू माई हाउस लाइक जो मेरा विलेज में जो मेरा हाउस है एंड आई एम गोना शो यू. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. सो या अभी हमारी फ्लाइट है तो हम लोग सब रेडी हैं. मैं मम्मी और नीलेश जा रहे हैं एंड बाकी घर वाले वहीं पे ऑलरेडी हैं. रितेश एंड दिवेश एंड सिम्बा दे ऑल आर स्टेइंग. सो या लेट्स गो. हेलो एवरीवन, सो हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड काफ़ी हेक्टिक था. मम्मी ने इतना सारा सामान लाइक मदर लाइक डॉटर. जैसे मैं वहाँ से लेके आती हूँ मम्मी यहाँ से लेके जाती है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 32 पे. वहाँ में बैठ लें. गेट नंबर 32 लिटरली साइड में है एंड हमें लगा था काफ़ी दूर चलना पड़ेगा. सो या लेट्स गो. तो अब हम लोग गेट नंबर 32 की तरफ जा रहे हैं एंड इट वॉज नाइस बट आई एम फीलिंग सैड बिकॉज मैं रितेश वगैरह को छोड़ के आई हूँ एंड सिम्बा को भी. सो आई एम गोना मिस देम बट 3-4 दिन की बात है आई थिंक. एंड नीलेश अभी भी बिल्कुल मेक श्योर कर रहा है कि गेट नंबर 32 ही है ना. गाइस, सो अभी हमने कुछ कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है बिकॉज मम्मी बिना चाय के नहीं रहती हैं एज यूजुअल लाइक मदर लाइक डॉटर. सो वी गॉट अ टी पनीर टिक्का. वी गॉट दिस कोल्ड कॉफी फॉर नीलेश. चाय मैं और मम्मी शेयर कर लेंगे एंड देन वी ऑल्सो गॉट दिस पनीर रैप विच वी आर गोना शेयर. सो मम्मी बिना चाय के ट्रैवल नहीं करती हैं जैसे मैं नहीं करती हूँ. लाइक सेम हैबिट है लाइक मदर लाइक डॉटर इस चीज़ में. क्या मम्मी, लास्ट टाइम मम्मी की फ्लाइट छूटने वाली थी चाय की वजह से. गाइज, सो हम लोग अभी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं. हमारा नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो गया एंड काफ़ी क्राउडेड एयरपोर्ट आज का. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं पूरे आई थिंक 2 साल बाद जा रही हूँ. 2019 में गई थी मैं लास्ट एंड इसके बाद मैं अभी जा रही हूँ कोविड के पहले. सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. फाइनली मैं पूरा अपना घर देखूंगी एंड लाइक अपने छत से जो पूरा ग्रीनरी सीन है. आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू. गुड इवनिंग, दिस इज द बोर्डिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन गो फर्स्ट फ्लाइट G8101422 श्रीनगर. ये हमारे लिए अनाउंसमेंट है. सो या लेट्स गो. जस्ट लुक एट द क्राउड, इतना ज्यादा क्राउडेड है आज. आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल्ली या गुड़गांव ट्रैवल कर रहा है. यही था नीलेश आई थिंक कर ली है एंड ये फ्लाइट 1:13 की है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड या आई मीन इट्स वेरी आई मीन इट्स ऑसम टू बी होम. फॉर क्या मम्मी कुछ बोलना है? बोलो. पता चले है ना? बोलो. मम्मी गर्मी सब जगह है, गर्मी दिल्ली में भी है. बट या इट्स गोइंग टू बी अ फन ट्रिप. गर्मी तो बहुत ज़्यादा है गाइस, लाइक इट्स रियली कोई वो है. सो बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम एंड फिर से मैं अपनी दादी से मिलने वाली हूँ. अरे बड़ा बहन, एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग एंड पूरी जगह को फिर से देखना. इट्स लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड आई एम गोइंग टू शो यू लाइक ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. और या लेट्स गो. पटना पहुंच गए हैं एंड अभी हम अपनी कार में बैठने जाने वाले हैं अपने घर जाने के लिए. ये सो ये है पटना का एयरपोर्ट एज यू कैन सी एंड लाइक अभी आई थिंक 7:30 आई थिंक हो रहा है एंड हमें अपने घर पहुंचने के लिए जो मेरा विलेज है एक्चुअली आई थिंक 1 आवर लग जाएंगे यहाँ से. सो हम लोग कार से फिर पटना से वहाँ मैं अपने विलेज जाऊँ.
ये मेरी बुआ है कार में। चलो बैठते हैं। अभी बीच में हम लोग रुके हैं बिकॉज हमें यहाँ पे गोलगप्पा का स्टॉल दिख गया है घर जाते हुए। एंड पटना का गोलगप्पा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मैं बहुत मिस करती थी गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद। मैं और दिनेश आते आते हैं दोनों खाते हैं। गोलगप्पा बहुत अच्छा है, आप बोलिए। ये तो बाबू साहब को बोले कि नमक ज़्यादा।